हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फिफ्थ सेमेस्टर एडवांस्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। आज हम जो है स्टूडेंट्स अपने सिलेबस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए स्टूडेंट बात करते हैं लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम जो है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स में डिफरेंस को जानेंगे कि इन दोनों RISC और CISC स्केलर प्रोसेसर्स जो होते हैं हमारे, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। सो आइए बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में स्टूडेंट्स। तो RISC और CISC में फर्स्ट डिफरेंस है, वह है फर्स्ट डिफरेंस RISC में कि इट इज़ आ रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, यानी कि RISC जो है यह हमारा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स होते हैं। जबकि अगर हम बात करें CISC की, तो CISC जो होते हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स होते हैं। RISC की बात करें स्टूडेंट्स, तो इट एम्फसाइज ऑन सॉफ्टवेयर टू ऑप्टिमाइज द इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कि हम बात करें RISC का, तो इसका मेन फोकस जो रहता है वह सॉफ्टवेयर्स पर रहता है, ताकि वह इंस्ट्रक्शन सेट जो हैं उनको ऑप्टिमाइज कर सके। तो RISC जो होता है ये, इसमें हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की, यानी कि सॉफ्टवेयर जो होते हैं उन पर मेन फोकस रहता है, कि सॉफ्टवेयर का मेन फोकस रहता है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज द इंस्ट्रक्शन सेट्स। बट बात करें CISC की हम, तो यहाँ पर मेन फोकस जो रहता है हार्डवेयर्स का रहता है, कि हाउ टू ऑप्टिमाइज द इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कि किस तरीके से हम इंस्ट्रक्शंस को ऑप्टिमाइज करें। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो इट इज़ अ हार्ड वायर्ड यूनिट ऑफ प्रोग्रामिंग इन द RISC प्रोसेसर, यानी कि यह एक हार्ड वायर्ड यूनिट है प्रोग्रामिंग की, जो कि RISC प्रोसेसर के अंदर अवेलेबल होती है। बात करें अगर हम CISC की, तो माइक्रो प्रोग्रामिंग यूनिट इन CISC प्रोसेसर, यानी कि CISC में जो प्रोग्रामिंग होती है वह माइक्रो प्रोग्रामिंग यूनिट होती है, जो कि CISC यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट रिक्वायर्स मल्टीपल रजिस्टर सेट्स टू स्टोर द इंस्ट्रक्शंस। अगर हम बात करें RISC की, तो यह इसको ज़रूरत होती है कि मल्टीपल रजिस्टर सेट्स जो होती है उनके अंदर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट CISC की, कि CISC का क्या वर्क होता है। इट रिक्वायर्स अ सिंगल रजिस्टर सेट, यानी कि इसको भी ज़रूरत पड़ती है सिंगल रजिस्टर सेट की, बट RISC में मल्टीपल रजिस्टर सेट होते हैं, बट CISC में सिंगल रजिस्टर सेट होते हैं जो कि स्टोर करते हैं इंस्ट्रक्शंस को, नेक्स्ट डिफरेंस की बात करें अगर हम, तो RISC हैज सिंपल डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि RISC जो होती है उसके पास सिंपल डिकोडिंग होती है इंस्ट्रक्शंस की। और CISC की बात करें, तो यहाँ पर हमारी CISC हैज़ कॉम्प्लेक्स डिकोडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि CISC जो होती है हमारी, उसके पास कॉम्प्लेक्स डिकोडिंग होती है इंस्ट्रक्शंस की। नेक्स्ट, यूज ऑफ द पाइपलाइन आर सिंपल इन RISC, ठीक है, यानी कि पाइपलाइनिंग का जो यूज़ होता है RISC में रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग में, वह हमारा सिंपल होता है। बट बात करें अगर हम CISC की, तो यूजेज ऑफ द पाइपलाइन आर डिफिकल्ट इन CISC, यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स में हमारा जो पाइपलाइनिंग का यूज़ होता है वह थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इट यूजेज अ लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि यह यूज़ करता है लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, दैट रिक्वायर्स लेस टाइम टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, यानी कि यह यूज़ करता है लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, दैट रिक्वायर, जो कि कम समय लेते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्ट्रक्शन को।
सीआईएससी में इट यूजेज अ लार्ज नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि ये काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करता है। दैट रिक्वायर मोर टाइम टू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, जो कि ज़्यादा समय लेते हैं इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने में। नेक्स्ट स्टूडेंट, इट यूजेज लोड एंड स्टोर दैट आर इंडिपेंडेंट, यानी कि यूज़ करता है लोड एंड स्टोर प्रोसेस को जो कि इंडिपेंडेंट होती है, जो कि इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं इन द रजिस्टर टू रजिस्टर अ प्रोग्राम इंट्रैक्शन, यानी कि रजिस्टर टू रजिस्टर एक प्रोग्राम इंट्रैक्शन होता है उस प्रोसेस के अंदर। बट बात करें अगर हम सीआईएससी की, तो इस इट यूजेस लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन इन द मेमोरी टू मेमोरी इंट्रैक्शन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि यह जो है लोड एंड स्टोर इंस्ट्रक्शन जो होता है उसे वह मेमोरी टू मेमोरी में करता है। बट अगर आरआईएससी की बात करें तो वहाँ पर हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर में हमारा प्रोग्राम इंट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हम बात करें तो ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस हो गए बिटवीन आरआईएससी एंड सीआईएससी। अब हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आरआईएससी, यानी कि आरआईएससी जो है हमारा रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, इसकी हमारे क्या क्या एडवांटेजेस होती हैं। द आरआईएससी प्रोसेसर्स परफॉर्मेंस इज बेटर ड्यू टू द सिंपल एंड लिमिटेड नंबर्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन सेट, यानी कि हमारे आरआईएससी प्रोसेसर्स की जो परफॉर्मेंस होती है वह बेटर होती है ड्यू टू द सिंपल एंड लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट, क्योंकि उसके पास सिंपल और लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, इसी कारण से उसकी जो परफॉर्मेंस स्पीड होती है वह बेटर होती है आरआईएससी की। इट रिक्वायर्स सेवरल ट्रांजिस्टर्स दैट मेक इट चीपर टू डिज़ाइन, यानी कि इसको कुछ ट्रांजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जो इसको मतलब चीपर यानी कि लेस एक्सपेंसिव बना देती है डिज़ाइन करने के लिए। आरआईएससी अलाउ करती है इंस्ट्रक्शंस के लिए टू यूज़ फ्री स्पेस ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर फ्री स्पेस अलाउ करता है हमारा आरआईएससी इंस्ट्रक्शंस के लिए बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी, यानी कि उसकी साधारणता को दिखाने के लिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ आरआईएससी प्रोसेसर, यानी कि आरआईएससी प्रोसेसर में हमारी एडवांटेजेस तो है बट क्या क्या हमारी वहाँ पर डिसएडवांटेजेस रह गई। द आरआईएससी प्रोसेसर परफॉर्मेंस मे वेरी अकॉर्डिंग टू द कोड एक्सिक्यूटेड, यानी कि आरआईएससी प्रोसेसर्स की जो परफॉर्मेंस होती है वह चेंज होती रहती है कोड एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग बिकॉज सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शंस मे डिपेंड ऑन द प्रीवियस इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जो हमारे सब्सिक्वेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं वह डिपेंड करते हैं प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस पर फॉर देयर एग्जीक्यूशन इन अ साइकिल, यानी कि उसकी एग्जीक्यूशंस पर जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन साइकिल में चलती है। प्रोग्रामर एंड कंपाइलर्स ऑफन यूज कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, यानी कि प्रोग्रामर्स जो होती है हम कहें प्रोग्रामर्स या डेवलपर्स जो होते हैं वह यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को आरआईएससी में। आरआईएससी प्रोसेसर रिक्वायर वेरी फास्ट मेमोरी टू सेव वेरियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि आरआईएससी जो होती है तो ज़रूरत होती है काफ़ी तेज़ मेमोरी की जिससे वह कुछ इंस्ट्रक्शंस को वहाँ पर सेव कर सके। दैट रिक्वायर अ लार्ज कलेक्शन ऑफ रैम कैश मेमोरी, और यहाँ पर कैश मेमोरी की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट रहती है टू रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन इन अ शॉर्ट टाइम, जिससे कि इन द एब्सेंस ऑफ मेन मेमोरी कंप्यूटर को कम समय में रेस्पॉन्स मिल पाए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अभी हमने जो बात की थी वह हमने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आरआईएससी की बात करी थी, अब हम जो बात करने जा रहे हैं वह हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीआईएससी बात करने जा रहे हैं। सो आइए बात करते हैं सीआईएससी के एडवांटेजेस के बारे में। एडवांटेजेस ऑफ सीआईएससी प्रोसेसर्स में द कंपाइलर रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट, यानी कंपाइलर जो होता है उसे कम एफर्ट की ज़रूरत पड़ती है टू ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम्स और स्टेटमेंट लैंग्वेज इनटू असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज इन सीआईएससी प्रोसेसर, यानी कि जो कंपाइलर होते हैं उनको कम यहाँ पर फिजिकल एफर्ट करना होता है इसके लिए,
कि वह हाई लेवल प्रोग्राम्स जो हैं या स्टेटमेंट्स लैंग्वेज जो हैं उनको वह असेंबली लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में इजीली कन्वर्ट कर पाए CISC प्रोसेसर के अंदर। द कोड लेंथ इज क्वाइट शॉर्ट, यानी कि यहाँ पर जो कोडिंग की जाती है वह काफ़ी कम कोडिंग की जाती है, विच मिनिमाइजेस द मेमोरी रिक्वायरमेंट, जिसके लिए हमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट यहाँ कम रहती है। टू स्टोर द इंस्ट्रक्शन ऑन ईच CISC इट रिक्वायर्स वेरी लेस रैम, यानी कि इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए प्रत्येक CISC जो होती है उसको बहुत ही कम रैम की आवश्यकता होती है। अब बात करें स्टूडेंट डिसएडवांटेजेस के बारे में CISC प्रोसेसर के, तो CISC चिप्स आर स्लोअर देन RISC चिप्स, यानी कि CISC चिप्स जो होती है हमारी वह हमारी RISC चिप्स से ज़्यादा स्लोअर होती है। टू एग्जीक्यूट पर इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑन ईच प्रोग्राम, यानी कि इंस्ट्रक्शन साइकिल को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रत्येक प्रोग्राम में द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन डिक्रीजेस ड्यू टू द स्लोनेस ऑफ द क्लॉक स्पीड, यानी परफॉर्मेंस जो होती है मशीन की वह डिक्रीज होती है क्योंकि वहाँ पर स्लोनेस जो होती है क्लॉक स्पीड की उसके कारण। एग्जीक्यूटिंग द पाइपलाइन इन द CISC प्रोसेसर, यानी कि जो पाइपलाइन प्रोसेसर की पाइपलाइन की जो एग्जीक्यूशन होती है CISC प्रोसेसर में वह इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देती है यूज़ करने के लिए, वह इसको कॉम्प्लिकेटेड बना देती है यूज़ करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ा वो हमने बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन RISC एंड CISC के बारे में पढ़ा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस की RISC और CISC की। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा सिलेबस यहाँ फिनिश होता है। कल से स्टूडेंट्स जो है हम अपने नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर्स में अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।